श्री हिंदू न्यायपीठ पंजाब ने देशद्रोहियों के खिलाफ निकाला रोष मार्च। श्री हिंदू न्यायपीठ पंजाब द्वारा विधान परिषद सदस्य चंद्रकांत चड्ढा की अगुवाई में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पिछले दिनों हुई देशद्रोह की घटना के विरोध में रोष मार्च निकाला गया। इस अवसर पर चंद्रकांत चड्ढा ने अपने संबोधन में देशद्रोहियों का समर्थन देने पर कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि ऐसे नेताओं पर भी देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाना चाहिए और श्री हिंदू न्यायपीठ के कार्यकर्ता देशद्रोहियों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए डटकर कार्य करते रहेंगे। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के जी घटना देशद्रोही वापरी है उसके विरोध के श्री हिंदू न्यायपीठ वालों सैकड़े कार्यकर्ताओं नाल लैके रेकी सिनेमा चौंक को लैके जगराओं पुल का एक रोस मार्च जिहड़ा कढ़िया गया जिहदे विच उन्हां छात्रावादी की निंदा की गई, उस घटना की निंदा की गई, पर नाल दे नाल जिहड़ी बहुत शर्मनाक घटना जिहड़ी राजनीतिक पार्टियां ने इस देशद्रोही घटना को समर्थन किया। उन्होंने जी मेन पार्टी जी 50 साल तो इस देश से राज करती आई है, उन्होंने अपनी सोच को लोगों के सामने पेश किया इस देशद्रोही घटना को समर्थन करके। सो अज असी जी उस पार्टी के युवराज राहुल गांधी का पुतला फूक के अपना रोस जाहिर किया। जो पिछले दिन जे एन यू के दुर्घटना घटी है, देश विरोधी नारे लाए गए हैं, उसके खिलाफ एक रोस मार्च कटा गया जिस राहुल गांधी का पुतला फूकया गया। अज के दिन के राहुल गांधी अपनी जंगी हुई सत्ता को देख के इन्ना कु बुखला गए हैं कि वो अतवाद का जोड़ा काला दौर पंजाब ने चलिया, पूरे देश ने चलिया, उसको दोबारा लियान का यत्न किया जा रहा है। CNI चैनल के लिए लुधियाना से कैमरामैन सुखदेव के साथ सौरभ गुप्ता की रिपोर्ट।